अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। बगलू में आ गए जाओ, बगलू में आ गए जाओ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गणतंत्र दिवस समारोह में वीसी और रजिस्ट्रार को काले झंडे दिखाए गए, जिसके बाद प्रोक्टोरियल टीम ने कुछ छात्रों को हिरासत में लिया। अब गुस्साए छात्र इन लोगों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। एएमयू के छात्रों ने विरोध में अनूप शहर रोड पर जाम लगा दिया। स्टूडेंट्स की मांग है कि पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए छात्रों को तुरंत छोड़ दिया जाए। दूसरी ओर पुलिस छात्र को कस्टडी में लेने के साथ ही कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है। इसके बाद पुलिस और आरएएफ बल की मौजूदगी में स्टूडेंट सड़क पर ही बैठकर छात्र को छोड़े जाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में छात्र छात्राओं ने जमकर आजादी के नारे भी लगाए। दरअसल एएमयू में रविवार सुबह 71वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कुछ छात्रों ने खलल पैदा करने की कोशिश की और हंगामा किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूनिवर्सिटी के 22 चांसलर तारिक मंसूर स्ट्रेटेजी हॉल पहुंचे थे। उनके साथ रजिस्ट्रार अब्दुल हमीद सहित यूनिवर्सिटी के अन्य लोग भी मौजूद थे। कार्यक्रम में ध्वजारोहण के बाद जैसे ही वीसी तारिक मंसूर ने बोलना शुरू किया, इसी बीच छात्रों ने एक गुट ने उनके भाषण को बाधित करते हुए वीसी गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। बगलू में आ गए जाओ, बगलू में आ गए जाओ। इस दौरान काले झंडे दिखाने की कोशिश करने वाले छात्रों को यूनिवर्सिटी की प्रोक्टोरियल टीम ने दौड़कर पकड़ा। 71st Republic Day, I take this opportunity to wish you all a very happy Republic Day. सभी विरोध कर रहे छात्रों को टीम अपनी गाड़ियों में भरकर ले गई। वीसी तारिक मंसूर ने कहा कि गणतंत्र दिवस के दौरान हम लोगों ने छात्रों से शांति की अपील की थी। वीसी ने कहा कि जो आज एएमयू में चल रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए।